attention! Assalamu alaikum. I'm Usman Beg. I'm only 20 years old. JB Fries, ये पिछले कोई 17 साल से यहाँ पे मतलब वो जुल्लू भाई ओन करते थे इसको. तो वो भी मेरे साथ ही थे ऐसा मतलब उनसे ही सब मतलब समझे एक ही हैं. तो वो नाम कभी चेंज नहीं करा ना उसके बारे में सोचा. बाकी ये सिर्फ ऐसा समझ लें कि एक ओनर बदल गया है. हम लोग यहीं बैठते थे पूरा दिन मतलब फ्राइज खाने सब कुछ यहीं करना है. सडनली वो कहते हैं मुझसे काम नहीं होता तो मुझे सेल करना है. पार्ट टाइम में मुझे कुछ करना था. जिलू भाई ने बोला मैं दे रहा हूँ. मैंने कहा ठीक है यहाँ से शुरू करते हैं इंशाल्लाह आगे अच्छा करेंगे. तो फिर ये टेक ओवर किया इन नवंबर 2018. इधर हम लोग फिलहाल आइटम बहुत कम है. एक फ्राइज है, स्लशेज हैं और कोल्ड ड्रिंक्स हैं मतलब फिर लड़कों के लिए सिगरेट्स हैं, बिस्किट्स वगैरह. ये हमारा स्लश काउंटर है और मतलब ये है कि मैंने भी सीख लिया स्लश बनाना. तो कस्टमर के कौन से थे फ्लेवर? ऑरेंज, ग्रेप्स और पाइनएप्पल. कंप्रेसर है इसमें जो कि बहुत जल्दी ना पानी को बर्फ में बना देता है. ये कोई भी बना सकता है, इनफैक्ट आप भी बना सकते हैं. मेरा ये असूल है कि मतलब कोई भी काम वो करो जो तुम भी कर सको. कॉज वर्कर कभी नहीं भी आता तो उसके लिए दुकान बंद नहीं कर सकते. तो काम तो खुद करना चाहिए, मतलब आना भी चाहिए. और जो बैक साइड पे वो मतलब एक अंकल हैं E70 अबव, तो मतलब वो और उनकी वाइफ बिल्कुल अकेले रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं था. देन सडनली उन्होंने जब ये शुरू किया तो उनका जो टेक्सटाइल में यूज़ होता है थ्रेड्स होते हैं, वूल्स होते हैं, जो वो बोर्ड पे 12x12 का एक बोर्ड होता है उस पर वो पूरे पैटर्न्स बनाते हैं एज देयर टीचर्स. स्कूल में बस ये था कि शरारतें वाला थे बहुत करी, सब करा लेकिन पढ़ा इन द एंड पढ़ा. तो मैट्रिक अच्छे से पास किया, 87% लाया. फिर कॉलेज अच्छा था. कॉलेज में आगे कुछ ही हूँ, आगे फर्स्ट ईयर में बहुत ही मतलब एक होता है ना शुतर बेमोहाल छोड़ दिया जाता है, तो वो छोड़ दिया गया. आर्मी में जाना था, वो वाला एक मतलब एक एम टूट गया, ख़त्म हो गया. तो फिर कंप्यूटर का ये था, मतलब कंप्यूटर मैंने आज तक कभी नहीं किया था. मुझे कॉपी पेस्ट भी नहीं आता था सिंस 2017 तक. सिंपली मुझे कॉपी पेस्ट के शॉर्टकट्स भी नहीं पता थे. तो फिर मैंने सब देखा, फिर मुझे एक फील्ड दिखी जिसमें आप डिग्री के बगैर आगे जा सकते हो. देन यूट्यूब पे ट्यूटोरियल से सीखना शुरू किया. W3 स्कूल से वहाँ से पढ़ा, मतलब गूगल से पढ़ा. फिर एक सॉफ्टवेयर हाउस में बोला कि मुझे आप जॉब पे रखें एज ए इंटर्नी, आप मुझे काम सिखाएं, मतलब काम करवाएं, पैसे आपकी मर्जी दें ना दें, मुझे कोई इशू नहीं. तो वहाँ मैंने काम किया. इनफैक्ट 3 महीने में वो लोग कहते हैं कि मैं .NET डेवलपर बन गया था. अल्लाह का शुक्र है, रिग्रेट्स कोई नहीं है. ख्वाहिशात हैं वो ये हैं कि मतलब मेरी फैमिली और आगे जो मेरे साथ हो मैं उन सबको वो सब दे सकूं जो वो डिजर्व करते हैं. कोशिश और मेहनत ज़्यादा है, अभी तो रिवॉर्ड कम ही है लेकिन इंशाल्लाह आगे रिवॉर्ड बहुत अच्छा है. सेल्फ सेटिस्फेक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है. मैं अपने से मतलब सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ, मुझे पता है. मतलब वो एक बात है ना कि मेरे हाथों के छाले मेरे चेहरे का सुकून है. पोइट्री अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है. अभी अहबाब जमा है हाल दिल के अले मीर, ना जाने फिर दिले दोस्तां रहे ना रहे. मतलब जवान एलिया का ये है कि वो मतलब कामों में इतनी मशरूफियत होती है ज़िंदगी, तो अगर कोई गेट पे भी आता है वो फॉर एग्जाम्पल वो ऐसे बयान करते हैं कि अच्छा मुझसे मिलने आए हैं, रुके मैं बुला के लाता. लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि फैज़ की तरह बनो, उन्होंने ये बताया. लेकिन गालिब सीधा सीधा कहते हैं कि हमने कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या, अगर पूछते हैं कि कोई आप कौन है तो.